वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो बिग बुल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाई की केवाईसी को लेकर। केवाईसी को लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, कईयों के नेम के रिलेटेड इशू था, तो कईयों का अभी तक ना दोस्तों स्लॉट नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ पर केवाईसी अप्लाई करने की ऑप्शन ही नहीं आ रही है। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि अगर अभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, आप जो केवाईसी है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या आपने अप्लाई की हुआ अभी तक पेंडिंग में शो कर रही है, प्रॉपरली कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्योंकि देखिए मेरी भी केवाईसी प्रोसेसिंग में थी, लेकिन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है केवाईसी पास्ट लिख कर आ रहा है। ऐसा नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा हूँ मैं, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी केवाईसी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊँगा। पहले भी मैंने लास्ट वीडियोज बना रखी हैं, वहाँ पर भी जाकर आप स्टेप वगैरह फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे जिसके साथ मेरी केवाईसी कंप्लीट हुई थी पाई नेटवर्क की, सेम आपको भी मैं वैसे वैसे स्टेप फॉलो करने को कह रहा हूँ। क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम एक स्टेप वगैरह फॉलो करते हैं उससे ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन समटाइम क्या होता है दोस्तों, 3 से 4 बार डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें जो है अप्लाई करना होता है, रिक्वेस्ट रेज करनी होती है, जिसके कारण हमारी केवाईसी वो कंप्लीट होती है। वो सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, पाई की जो एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है, 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है और सपोर्ट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, sport.help.minepai.com की। सो यहाँ पर दोस्तों क्या है, अगर तो आपको नेम के रिलेटेड इशू आ रहा है, अकाउंट सेटिंग एंड ईमेल रिक्वेस्ट में जाना है, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो है पाई की। लेकिन अगर आपको इशू आ रहा है दोस्तों, आपने केवाईसी अप्लाई की हुई है, आप प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में है, रिव्यू में है, या फिर वहां पर आपको स्लॉट नहीं मिल रहा है, यानी कि शो नहीं कर रहा है कि आप कैसे केवाईसी जो है अप्लाई करें या कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करें, उसके लिए आपने केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, इन्होंने मेंशन किया हुआ है जो न्यू है, जिन्होंने न्यू अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, विल नॉट बी अवेल टू इमीडिएटली अप्लाई फॉर केवाईसी, वो इतनी जल्दी केवाईसी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कम से कम उनको 30 दिन का वेट करना होगा। आफ्टर 30 डेज जब आप माइनिंग कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद आपके पास वहाँ पर ऑप्शन खुद आ जाती है। लेकिन जो लोग पुराने हैं, काफ़ी लंबे समय से माइनिंग कर रहे हैं, उनके पास अभी तक ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, अगर आप वहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, स्लॉट नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है दोस्तों, ये वाला लिंक, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते दोस्तों, ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक फॉर्म रहेगा, आपको फॉर्म जो है फिल करना होगा। यहाँ पर जो ईमेल आईडी मेरी शो कर रही है, स्विच अकाउंट पर क्लिक करके जो आपने ईमेल अकाउंट तब दिया था वो आपने एंटर कर देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है यूज़र नेम, नो स्पेलिंग मिस्टेक, तो यूज़र नेम आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी पाई की जहाँ पर माइनिंग करते हैं एप्लीकेशन में जाना है, 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर जो आपका नेम आ रहा है ये आपका नेम रहेगा और नीचे आपका यूज़र नेम आ रहा है। सो अगर यहाँ पर आपका क्या मांगा जा रहा है, यूज़र नेम मांगा जा रहा है, तो बिल्कुल ये जो यूज़र नेम है सेम, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये यूज़र नेम यहाँ पर आपने फिल आउट कर देना है। उसके बाद नीचे आपके पास यहाँ पर देखिए, 2 आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका जो आंसर है आपको देना पड़ेगा। व्हाट बिहेवियर फॉर योर माइट हैव बीन कंफ्यूज्ड बाय द बीइंग इन्वॉल्व विद फेक अकाउंट स्क्रिप्टिंग और अदर पॉलिसी, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने जो है टेलीग्राम में लिख कर रखे हुए हैं, सो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपने सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल में जाना है, वहाँ से कॉपी करने, यहाँ पर पेस्ट कर देने, खुद आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके भाई ने आपके लिए सारा लिख कर रख दिया है। यहाँ पर नीचे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट अवेल टू स्टार्ट ए KYC एप्लीकेशन, इसमें ट्रू पर क्लिक करना है। अगर आप सेकंड पर क्लिक करेंगे तो सेकंड पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि सेकंड उनके लिए है, आई एम अवेल टू स्टार्ट ए एप्लीकेशन बट आई हैव अदर KYC इशू, तो इस पर क्लिक नहीं करना है। जो फर्स्ट वाला है ट्रू, इस पर क्लिक करके आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो जो स्टेप्स मैंने पहले भी बताए हुए हैं वो स्टेप भी आपको फॉलो करने होंगे। केवाईसी आपकी कंप्लीट होगी, केवाईसी में कोई भी इशू नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जैसे जैसे आप मतलब ये स्टेप्स वगैरह सारे फॉलो करते रहेंगे केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद कुछ अगर आप ब्राउज़ केवाईसी जो पाई का ब्राउज़र है उस पर जाकर ये आप ऐसा क्लिक करेंगे तो आपको जो केवाईसी ऐसी आपकी कंप्लीट होती देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ है, इनको फॉलो कीजिएगा प्रॉपरली, सो आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी इशू आता है दोस्तों केवाईसी को लेकर, नेम चेंज नहीं हो रहा है, यूज़र नेम चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी इशू आती है केवाईसी को लेकर, सो आप मुझे टेलीग्राम पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वहाँ पर मैं आपको जो है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बताता भी हूँ। अगर आपको कोई भी इशू रिलेटेड है तो जब मर्जी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है रिप्लाई में, लेकिन बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए पूरी जो है हेल्प जो है जितनी हो पाएगी हमारी तरफ से की जाएगी। तो ये दोस्तों वीडियो थी जिनका स्लॉट नहीं मिल रहा था या आपकी केवाईसी रिव्यू में उसके रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है। बाकी अगर आपको कोई और इशू आ रहा है पाई को लेकर, पाई नेटवर्क की माइनिंग को लेकर, तो जब मर्जी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी हेल्प होगी आपकी। वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।